वेलकम टू माय चैनल। कोकोनट हमारे हेयर केयर में एंशिएंट टाइम से यूज़ होता चला आ रहा है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें अपने बालों के लिए तो कोई भी बड़े से बड़ा वीडियो छोटा पड़ जाएगा, लिस्ट इतनी लंबी है। इसके अंदर होते हैं बहुत सारे विटामिंस एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिसकी वजह से ये वन ऑफ़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारे बालों के लिए। ना सिर्फ ये हमारे बालों को लंबा, घना, थिक बनाता है, बल्कि हमारी स्कैल्प को भी नरिश करता है। हेयर फॉलिकल्स के आसपास जो सीबम बिल्डअप इकट्ठा हो जाता है, ये उसको भी रिमूव करता है, जिससे कि ये बालों को, स्कैल्प को, दोनों को ही हेल्दी बनाता है। बालों को ये कंडीशन करता है और बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाता है। आपने नोटिस किया होगा कि हम जितने भी हेयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, स्पेशली प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स वाले कंडीशनर्स में हमेशा कोकोनट का यूज़ किया जाता है। या तो उनके अंदर कोकोनट मिल्क होता है या उनके अंदर कोकोनट ऑयल यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोकोनट हमारे एक एक बाल को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, बालों का फ्रिजीनेस, ड्राइनेस कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है, हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है, हेयर रीग्रोथ पर भी काम करता है, हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, डैंड्रफ को ख़त्म कर देता है। सो ओवरऑल ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल इंग्रेडिएंट है, जो हमारे बालों की ग्रोथ, लेंथ, वॉल्यूम सब पर ही बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और बात करें अनियन की, यानी कि प्याज की, तो प्याज हमारे हेयर केयर में बहुत ही अमेजिंगली एंड इफेक्टिवली काम करता है। अगर आप मेरी हेयर केयर रेमेडीज़ की वीडियोज़ देखते हैं या यूट्यूब पर कोई भी हेयर केयर DIY वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि अनियन हमारे बालों के लिए कितना अमेजिंगली काम करता है। अनियन एक इतना पोटेंट एंड इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है कि ये झड़े हुए बालों को भी वापस उगाने की ताकत रखता है। बाल अगर लंबे नहीं हो रहे हैं तो ये हेयर ग्रोथ पर बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, और अगर बालों में शाइन नहीं है, ग्लॉस नहीं है, तो ये बालों को सिल्की, स्मूथ, शाइनी बनाता है। स्कैल्प पर अगर पैचेस आ गए हैं तो अनियन का रेगुलर एप्लीकेशन वहाँ पर भी बेबी हेयर लाने की ताकत रखता है। अनियन के और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं हमारे बालों के लिए, जैसे कि ये बालों का टेक्सचर सुधारता है, बालों को शाइनी बनाता है, स्मूथ बनाता है, एक एक बाल को थिक बनाता है, मोटा बनाता है अनियन का रेगुलर एप्लीकेशन। मेरे पास है एक नेचुरल हेयर केयर रेंज जिसके की इंग्रेडिएंट हैं कोकोनट एंड अनियन, और मैंने क्यों सेलेक्ट किया इस पूरी हेयर केयर रेंज को रिव्यू करने के लिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, एज यू ऑल नो, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बने हों प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से, जिनमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स यूज़ ना किए गए हों। सो ये पूरी नेचुरल हेयर केयर रेंज भी बनी है प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से, किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिन्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए हैं, बल्कि ये एक पीटा सर्टिफाइड ब्रांड है, तो सारे प्रोडक्ट्स वीगन हैं और क्रूअल्टी फ्री हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को एनिमल्स पर टेस्ट नहीं किया गया है। और साथ में ये एक मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड है गाइज, और एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है, यानी कि ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल भी करते हैं। और हाँ गाइज, इनमें किसी भी तरह के आर्टिफिशियल कलर्स या फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं की गई है। अभी तक मैंने इस पूरी हेयर केयर रेंज को 3 बार यूज़ कर लिया है और मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो आज मैं रेडी हूँ आपके साथ इस पूरी हेयर केयर रेंज का रिव्यू शेयर करने के लिए। तो चलिए बताती हूँ आपको कि कौन सी ये हेयर केयर रेंज है और कोकोनट एंड अनियन के अलावा इसमें और क्या क्या प्रेशियस हर्ब्स यूज़ किए गए हैं, कौन कौन सी वो प्रेशियस हर्ब्स हैं, साथ में उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे बालों के लिए, और किस तरह से हमें यूज़ करना है इस पूरी हेयर केयर रेंज को जिससे कि हमें मिले इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स। और मैंने जब यूज़ किया इस पूरी हेयर केयर रेंज को तो मेरे बालों पर इसके क्या रिजल्ट आए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ब्रांड का नाम है लिटिल एक्स्ट्रा, और ये पूरी हेयर केयर रेंज मुझे रिसीव हुई इस ब्यूटिफुल से गिफ्ट बॉक्स में। इसके अंदर था एक कोको अनियन नेचुरल हेयर ऑयल और साथ में एक कोको अनियन नेचुरल शैम्पू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लिटिल एक्स्ट्रा कोको अनियन नेचुरल हेयर ऑयल की, जिसके अंदर है कोकोनट ऑयल, अनियन ऑयल और साथ में सीसमे ऑयल, और इन सब के साथ साथ इसमें जिंजर, फेनुग्रीक और करी लीव्स भी हैं। 100% नेचुरल हेयर ऑयल है ये, किसी भी तरह के केमिकल्स बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं, और ये सूटेबल है फॉर ऑल हेयर टाइप्स। इसके अंदर इन सब के साथ साथ है जिंजर, फेनुग्रीक और करी लीव्स भी, और जितने भी ऑयल्स हमारे बालों के लिए मैजिकली काम करते हैं उन सबका कॉम्बिनेशन भी है इसमें, यानी कि इसके अंदर है कोकोनट ऑयल, अनियन ऑयल तो है ही, साथ में राइस ब्रैन ऑयल, कैस्टर सीड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, प्रिंगराज ऑयल, करी लीव्स ऑयल, एलोवेरा ऑयल, बीट रूट एक्सट्रैक्ट,
भी है इसके अंदर। हेयर फॉल को बहुत इफेक्टिवली स्टॉप करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, एकदम नेचुरल हेयर ऑयल है ये। हेयर ऑयलिंग किसी भी हेयर केयर रूटीन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आप हेयर ऑयलिंग को किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते हैं, वरना आपको बालों से रिलेटेड कोई ना कोई इशू बना ही रहेगा। तो इस हेयर ऑयल को भी आपको बहुत अच्छे से अपने स्कैल्प पर, अपनी हेयर लेंथ पर अप्लाई करना है। कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज करिए, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, और रात भर हेयर ऑयल को अपने स्कैल्प पर लगा रहने दीजिए उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए। हेयर ऑयलिंग ना सिर्फ हमारे स्कैल्प और बालों के लिए अच्छी होती है, बल्कि हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी अमेजिंगली हेल्पफुल होती है। तो रात भर मैंने इसको अप्लाई करके रखा और अब नेक्स्ट डे मैं यूज़ करूँगी लिटिल एक्स्ट्रा का ये कोको अनियन नेचुरल शैम्पू। एकदम नेचुरल शैम्पू है ये भी, 100% वीगन है, और इसके अंदर है कोकोनट मिल्क, रोज मेरी एंड ग्रीन टी। नो पैराबेंस, नो SLS, नो सिलिकॉन्स एंड सल्फेट फ्री है ये शैम्पू। हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और ये भी हेयर ग्रोथ को बहुत इफेक्टिवली प्रमोट करता है। कोकोनट मिल्क है इसके अंदर, जो कि बालों में स्कैल्प पर मॉइस्चर ऐड करता है और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। साथ में अनियन है तो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और बालों में शाइन लेकर आता है। रोज मेरी है इसके अंदर, जो कि डैंड्रफ को आने नहीं देता और अगर आ जाता है बहुत इफेक्टिवली फाइट करता है, और साथ में प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग को प्रिवेंट करता है। इसके अंदर करी लीव्स भी हैं, और आपको पता है कि करी लीव्स के अंदर होते हैं भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे विटामिंस, जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। आर्टिफिशियल कलर्स, फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी ऐड नहीं किए गए हैं, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर, तो ये इतना माइल्ड है कि आप इसे केमिकली ट्रीटेड बालों पर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको ठीक वैसे ही यूज किया जैसे मैं बाकी शैम्पूज यूज करती हूँ। पहले स्कैल्प और बालों को गीला कर लिया और शैम्पू को डाइल्यूट किया ऑलमोस्ट 1 कप पानी में, और उसके बाद उसको अप्लाई किया। और देखिए, यहाँ मैंने शैम्पू कर लिया है और उसके बाद रिजल्ट ये है गाइज। एंड माइंड इट, इस शैम्पू के बाद मैंने कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं किया है और अभी कोम या ब्रश भी नहीं किया है अपने बालों में, और आप देख सकते हो मेरे बालों में कितना अच्छा शाइन है, कितना अच्छा ग्लॉस है, और ज़रा से भी उलझे हुए या टैंगल्ड नहीं है मेरे बाल, क्योंकि इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट है वो कोकोनट है गाइज। और आपको पता है कि कोकोनट बहुत सारे कंडीशनर्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे बालों को शाइन देता है, ग्लॉस देता है, और एक सनस्क्रीन की तरह काम करता है हमारे बालों के लिए कोकोनट ऑयल या कोकोनट मिल्क का एप्लीकेशन। बहुत अच्छे से मेरे एक एक बाल को मॉइस्चराइज किया है शैम्पू ने, हाइड्रेट किया है। मुझे तो इस नेचुरल शैम्पू और हेयर ऑयल का रिजल्ट बहुत पसंद आया। सो गाइज, देखा आपने, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे इस नेचुरल कोको अनियन हेयर केयर रेंज के, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स, और प्राइस वाइज भी काफ़ी अफोर्डेबल है ये। तो मेरी तरफ से तो एक बिग थम्स अप है, ज़रूर ट्राई करिएगा इस पूरी हेयर केयर रेंज को। ऑनलाइन परचेज लिंक्स गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और अगर आप बाय करते हैं तो यूज़ कर लीजिएगा ये कूपन कोड, जिसको यूज़ करके आपको मिल जाएगा 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट। सो गाइज, आई होप ये रिव्यू आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही किसी हेल्थ, ब्यूटी या फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।